और आप देख रहे हो ना कि अभी परसों शिक्षकों का प्रोग्राम था वो, तो मैंने कहा कोई करप्शन की बात मैंने शुरू कर दी, तो मैं कहना चाहूंगा अभी इतने एसीबी इतना अच्छा काम कर रही राजस्थान में, हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ सबसे अच्छा काम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट कर रहा है, राजस्थान में कर रहा है। जो पकड़े जा रहे हैं वो तो कोई शिक्षा विभाग है नहीं, तो खाली कोई टीचर की बात नहीं थी, वो बात थी कि सब जगह हर डिपार्टमेंट करप्शन होता ही होता है, पर सरकार की मंशा कैसे रोके कैसे, उतने आप बताइए बड़े बड़े अधिकारी हमारे पकड़े जाते हैं, कलेक्टर पकड़े गए हैं, एसी पकड़े गए हैं, सस्पेंड तक हुए हैं, बर्खास्त तक हो रहे हैं, ऐसे रास्ता मिलेगा आपको? इसलिए खाली शिक्षा विभाग की तो मैंने बात खाली मैंने कहा कि टीचर भी उतना आते हैं, वो भी बेचारे तकलीफ पाते हैं कि पैसे दो कहीं पर जाके, कोशिश करो अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग की, ये नौबत क्यों है? पॉलिसी बन जाए अगर मान लो टीचर ट्रांसफर की, हर टीचर ट्रांसफर लगेगा कि मेरा नंबर कब आएगा, एक साल बाद आएगा, दो साल बाद आएगा, तीन साल बाद आएगा, तो ना वो पैसा देगा और ना करप्शन होगा, ये मेरा मकसद था उस दिन। बाकी मैंने कहा अभी तो जो पकड़े जा रहे हैं वो तो दूसरे डिपार्टमेंट पकड़े जा रहे हैं, मैं मंत्रालय जिनके जो मंत्रालय मेरे पास है उसमें कई लोग पकड़े गए हैं, तो इसलिए ये बात जो फैलाई गई है कि शिक्षा विभाग में कह दिया कॉमन कर दिया, मेरा मकसद यही था।